नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और फोन्स वेनम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीवो S5 के बारे में, क्या है इसके फीचर और कौन सी कीमत पर ये फोन आने वाला है, आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही दिनों से वीवो S5 का रिमोर्स लीक्स हो रहा था ऑनलाइन, लेकिन अब ये फोन टेना सर्टिफिकेशन पर लिस्टिंग हो चुका है और इसका जो फीचर है वो कुछ निकल के आ चुका है। इसके फीचर के बारे में बात करें तो इसमें 6.44 इंच का एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में 1080p रिजोल्यूशन और 20:9 एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके डिस्प्ले में एक पॉन्च होल डिजाइन कैमरा है जो कि उसके डिस्प्ले को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। एमोलेड डिस्प्ले का वीडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी हमेशा से बहुत ही अच्छा होता है और यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है इस फोन में। इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसका प्रोसेसर अभी तक पता नहीं चला है कि इसमें कौन सा प्रोसेसर यूज होने वाला है। जो टेना सर्टिफिकेशन पर जो लिस्टिंग हुआ है उससे पता चलता है कि इसमें एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ इसका फ्रीक्वेंसी रेट है। रिमर्स के हिसाब से इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर यूज होने वाला है, जो कि बहुत ही पावरफुल और पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। इसमें पबजी एस्पलेट जैसे हैवी गेम को अभी बहुत ही अच्छे से खेल पाओगे, आपको कोई भी लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें 8GB रैम वेरिएंट होने वाला है और स्टोरेज की बात करें तो इसमें 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला है। UFS 2.1 स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलने वाला है इस फोन। इसके कैमरा की बात करें तो इसका हाईलाइटिंग फीचर है इसका कैमरा की डिजाइन, जो कि रियर साइड में एक डायमंड शेप डिजाइन में इसका कैमरा आता है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है इस फोन को। कैमरा की बात करें तो इसके रियर में क्वाड कैमरा सेटअप है जो कि 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस के लिए और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के लिए। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इस फोन में। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है। इस फोन की कैमरा में नाइट मोड, पोर्ट्रेट, ब्यूटी मोड, EIS, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर पाओगे इस फोन में। इस फोन की बैटरी की बात करें तो इसमें 4010mAh का एक बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन में 22.5W फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपने फोन को बहुत ही तेजी से चार्ज कर पाओ। सिक्योरिटी के लिए इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही फास्ट होने वाला है इस फोन में। एंड्रॉइड और OS की बात करें तो इसमें फोन टच OS आपको देखने को मिल जाएगा और एंड्रॉइड की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड 9 पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। इस फोन के प्राइस और लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये फोन 14 नवंबर को लॉन्च होने वाला है चाइना में। रिमोट के हिसाब से ये फोन 20,000 के अंदर होने वाला है इसका प्राइस। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।